These two different waters don't mix to each other. साथियों, आज का टॉपिक बहुत अहम है। यकीनन आपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। ये दो समंदर हैं जिनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। क्या वाकई में मिक्स नहीं होता? नहीं जनाब, मिक्स होता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है। साथियों, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन का शुमार दुनिया के बड़े बड़े समंदरों में होता है। जब इन समंदरों का पानी किसी एक पॉइंट पर आपस में मिलता है तो एक फर्जी दीवार कायम करता है। चूंकि दोनों के पानियों का रंग मुख्तलिफ है तो हमें लगता है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते। इन पानियों का रंग मुख्तलिफ क्यों है? अटलांटिक ओशन का पानी बर्फ का पानी है, या फिर ये कहें कि इसकी डेंसिटी कम है। एंड पैसिफिक ओशन वाटर इज फुल ऑफ क्ले मटीरियल्स, आयरन सेडिमेंट्स विच इज हैवियर एंड डेंसर देन द ग्लेशियर वाटर। यानी एक में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो दूसरे में बहुत कम। अब सवाल ये है कि दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? तो उसकी भी एक साइंटिफिक वजह है। एक में नमक यानी सेडिमेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरे में बहुत कम। सेडिमेंट्स क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यानी पानी पहाड़ों की चोटियों और पत्थरों से टकरा कर समंदर में गिरता है, जो अपने साथ बहुत से छोटे छोटे ज़र्रात भी लेकर आता है, जिसको हम मिनरल्स भी कहते हैं। ये दोनों पानी आपस में मिलते हैं तो फौरन मिक्स नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के दर्जा हरारत और डेंसिटी में फ़र्क होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये मिक्स ही नहीं होते। ये मिक्स होते हैं, लेकिन ये समंदर में बहुत गहराई में स्लोली मिक्स हो रहे होते हैं। लेकिन ऊपर की सतह पर एक ना मिक्स होने वाली एक फर्जी दीवार कायम हो जाती है। यानी मुख्तलिफ कसाफतों यानी डेंसिटी वाले पानी आपस में इतनी जल्दी मिक्स नहीं होते। इसको हम एक तजर्बे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने दो एक जैसे ग्लासेस में फ्रेश वाटर लिया और दो मुख्तलिफ रंगों के फूड कलर्स लिए। एक ग्लास में येलो कलर और दूसरे में रेड कलर डाला। और उसके बाद रेड ग्लास में दो चम्मच नमक डाल दिया और उस नमक को अच्छी तरह मिक्स किया। ग्लासेस को पानी से मुकम्मल फिल कर दिया ताकि गुंजाइश खत्म हो जाए। अब रैपिंग शीट को काट कर फ्रेश वाटर वाले ग्लास पर लगा दिया। वैसे आप इस पर कोई कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं जो आसानी से निकाला जा सके। हमारे पास चूंकि रैपिंग शीट ही थी, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल किया। अब फ्रेश वाटर वाले ग्लास को सॉल्ट वाटर वाले ग्लास पर उल्टा कर रख देंगे। अब इसके लिए हमने अपने बाबा की हेल्प ली। रैपिंग शीट को बाहर खींच लिया। ये काम बहुत एहतियात से करने वाला था।
शीट का एक टुकड़ा ग्लास में चला गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि साफ पानी नमक वाले पानी में फौरन मिक्स नहीं हुआ, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। इन दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्स नहीं हुए, क्योंकि एक के नमक की वजह से डेंसिटी में इजाफा हो गया तो दूसरा पानी उसमें मिक्स नहीं हुआ। ये मिक्स होंगे, लेकिन बहुत देर के बाद। साथियों, जिस तरह ये दो मुख्तलिफ रंगों के पानी अपनी अलग अलग खसूसियात की वजह से आपस में फौरी तौर पर मिक्स नहीं हुए, इसी तरह समंदर और दरियाओं के पानी जो अलग अलग खसूसियात रखते हैं, वो फौरी तौर पर मिक्स नहीं होते। इट इज़ अ मिरेकल, बट अ मिरेकल ऑफ साइंस एंड नेचर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कृपा।